तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे रॉट लोग ऊपर। राइट डाउन क्वेश्चन, 3 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड टू 36 ग्राम ऑफ बॉइलिंग वाटर। How much lowering in its vapor pressure is noticed? ऑप्शन में है 90 mm, 38 mm और 760 mm और 76 mm। और मैं तुमको बता दूं कि जो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का, उस पे 760 mm ऑफ मर्क्यूरी वेपर प्रेशर होता है प्योर वाटर का, यानी जब वो सोल्यूशन नहीं होता है तब, यानी बॉइलिंग पॉइंट पर जब 100 डिग्री आता है उस समय वेपर प्रेशर 760 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है। तो जल्दी से बताओ कितना आएगा इसका आंसर। ना यहां पर 3 ग्राम यूरिया है और यूरिया का फॉर्मूला ये होता है और इसका मोलर मास हो जाएगा 60 ग्राम। हम मोल निकाल लेंगे यूरिया का, मोल हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी 1/20, यानी 0.05 आ गया मोल। वाटर कितना है 36 ग्राम, यानी कि 36 ग्राम अपॉन 18 कितना जाएगा 2 मोल। तो देख सकते हो कि सॉल्वेंट कितना ज्यादा है, सॉल्यूट कितना कम है, सॉल्यूट बहुत ही कम है। और उसी के लिए रॉट लॉ अप्लीकेबल भी होता है, जहां पर सॉल्यूट क्या हो बहुत ही कम हो, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अब हमें बोला है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नोटिस, हम क्या लिखेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू, यहां हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये भी हम लिखते हैं। मैंने बॉक्स बना के बोला था लिखने के लिए। मोल क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि यहां मोल से हमने निकाला है। ये वैल्यू पी नॉट कितना है, तो पी नॉट प्योर वाटर में 760 होगा, 760 माइनस पीएस हमें नहीं मालूम है, सॉल्यूशन का हमें नहीं मालूम है, अपॉन 760 मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना मोल है 0.05 और नीचे है 2। तो अब इसमें ऐड करोगे भी ना तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए हम नेगलेक्ट कर देते हैं, हम इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 760 × 2 − 2 PS इक्वल टू 760 × 0.05, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसका कैल्सियम यूज कर लेते हैं, 760 × 2 − 2 PS इक्वल टू 760 × 0.05, ये आ जाएगा 38, सही है ना। अब ये इधर जाएगा 1520 − 38 इक्वल टू 2 PS, तो 1520 − 38
1482 इक्वल टू 2 PS, PS इक्वल टू हो जाएगा 1482 अपॉन 2, ये हो जाएगा 741, ठीक है, ये PS निकला। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि लोअरिंग बताओ, लोअरिंग बताओ कितना लोअरिंग हुआ, तो प्योर में कितना था 760, हम लिखेंगे लोअरिंग, लोअरिंग हो जाएगा 760 माइनस 741, ये हो जाएगा 19, हमारा ऑप्शन 1 आएगा। ये सबका हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट लिखना, ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव मोर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव मोर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एट ए सर्टेन टेम्परेचर, एट ए सर्टेन टेम्परेचर। पहला इसमें ऑप्शन है 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 900 ग्राम ऑफ वाटर, सेकेंड 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। ट्वेंटी ग्राम ऑफ यूरिया इन 900 ग्राम ऑफ H2O, फोर 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 900 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसका आंसर आप बताओगे क्या है, ग्लूकोज का मास हो जाएगा 180 मोलर मास और इसका हो जाएगा 60।
सुक्रोज क्या हो जाएगा 342 ग्राम। जल्दी से इसका आंसर बताओ। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही वेपर प्रेशर क्या होगा, कम आएगा, और जितना कम आएगा उतना ही लोअरिंग ज्यादा होगा, मतलब कमी डिक्रीमेंट, लोअरिंग ज्यादा होगा, डिक्रीमेंट ज्यादा होगा, डिक्रीमेंट उतना ही ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही, तो हम यहां हम निकाल लेते हैं मोलालिटी, क्योंकि यहां पर सॉल्वेंट जो है वो ग्राम में दिया है, सॉल्वेंट हमें क्या दिया है, ग्राम में दिया है, तो हम यहां निकाल लेते हैं मोलालिटी। तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां देखो ग्लूकोज का मोल कितना आ जाएगा, तो मैं यही पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, ग्लूकोज का मोल आ जाएगा 90 और अपॉन 180, यानी ये आ गया 1/2 यानी 0.5। तो ग्लूकोज का मोल आ गया 0.5। तो मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है इंटू 1000 कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेट नहीं करेंगे, आगे हम चेक कर लेंगे कैलकुलेशन। यहां मोलालिटी निकालेंगे तो 34.2 यानी कितना मोल हो जाएगा, मोल इक्वल टू 34.2 अपॉन 342, एक डेसिमल नीचे आएगा, एक डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 1, ये हो गया 0.1, ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 450 इंटू 1000। तो 1000 तो सब में आएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसमें मोलालिटी निकालेंगे, तो पहले इसका हम निकाल लेते हैं मोल, इसका हम निकाल लेते हैं मोल। तो मोल कितना आ जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास यानी 1/3, 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 का मतलब क्या हो गया, 0.3। तो 0.3 अपॉन 900 है इंटू 1000। ठीक है, अब इसका हम मोलालिटी निकाल लेते हैं, 45 ग्राम ग्लूकोज है तो मोल कितना हो जाएगा इसका, मोल हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 180, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा यानी 0.25। तो मोलालिटी हो जाएगा 0.25 अपॉन 900 इंटू 1000। अब देख लेते हैं किसका कंसंट्रेशन, 1000 हटा दो, किसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, किसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है ये हम देख लेंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं, तो यहां है 0.5 डिवाइडेड बाई 900, ये आ गया, मैं 1000 से नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 0.005 आ गया, एक और जीरो आएगा। और नेक्स्ट है पॉइंट वन डिवाइडेड बाई 450, ये आ गया 0.0002 आ गया, और एक और है 0.3 डिवाइडेड बाई 900, ये आ गया 0.003 आ गया, और एक और है 0.25 डिवाइडेड बाई 900, ये आ गया 0.0027 आ गया। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि किसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, हमें ये चेक करना है कि किसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका लग रहा है, इसका 0.005 का। ठीक है, ये सबसे कम है, तो इसका मतलब लोअरिंग, मोर लोअरिंग, सबसे कम ही किसमें दिखाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में।
क्योंकि ऑप्शन नंबर वन में कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आई? क्या डू यू अंडरस्टैंड? जब ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो पहला हम पढ़ रहे थे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसके हर टाइप के क्वेश्चन हम बनाएंगे और हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि हमें किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम बनेगा, वो हम पहले बोला करते थे, अब हम कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं कि इसका कंसंट्रेशन सबसे कम ज्यादा है इसीलिए इसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। क्लियर हो गया? सबने राइट डाउन किया क्या? हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करना। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल एट सर्टेन टेम्परेचर इज 180 बाई एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इथाइल एसीटेट। The vapor pressure of the solution is found to be 684 mm. The relative lowering in vapor pressure is ऑप्शन में है 0.1, 0.976 और फोर्थ में है 0.694। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि the vapor pressure of methanol at a certain temperature is 180 mm. वेपर प्रेशर 180 है मिथेनॉल का, बाई एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इथाइल एसीटेट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन टू बी फाउंड इतना, यानी कमी हो गया, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर निकालना है। अब देखो क्या करना है, यहां 180 mm है, ठीक है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 760 mm। 180 mm के बराबर क्या होता है, 760 mm, क्योंकि हमारा आंसर इस ऑप्शन में लिखा नहीं है कि mm में क्या है, लेकिन यहां mm में लिखा हुआ है,
इसको भी एमएम में ही बदल लो, ठीक है, चेक करो फिर। अब ऑप्शन किसमें दिया है, 760 - 684 76, उसको लिखना चाहिए था कि एमएम में दिया है या किसमें दिया है, एटीएम में दिया है, एटीएम में दिया है। एटीएम में बताना है। एक का आंसर सही आया अक्षत का। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 1 ATM है, 760 लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 760 - 684 कितना जाएगा, 76। अब हमें बदलना है एटीएम में, तो 76 एमएम आ गया, तो एटीएम में क्या हो जाएगा, तो 76 में हम 760 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 0.1 ATM। ये कन्वर्जन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 23 डिग्री सेल्सियस इज 19.8 mm, 0.1 mole ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 178.2 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द वेपर प्रेशर इन एमएम ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन एट सेम टेम्परेचर। ऑप्शन में है 19, 19.6, 19.4, 19.2। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 23
3 डिग्री सेल्सियस इज 19.8, 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन कितना ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, एमए में बताना है। ऑप्शन में बहुत पास पास है, 19.2, 19.4, 19.6। वैष्णवी अक्षत, तुम लोग को वॉल्यूम 3 मिल गया है क्या? ओके चलो, इसका हम आंसर निकालते हैं कैसे बनेगा, कैसे बनाएंगे। पी नॉट माइनस पी एस, आरएलवीपी लिख देंगे हम, और मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर मिथेनॉल वाटर का कितना है? 19.8 प्योर फॉर्म में, माइनस पीएस नहीं मालूम है, अपॉन 19.8। मोल ऑफ सॉल्यूट 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज यानी 0.1, और ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय आया। इसका मोल अगर हम निकालेंगे वाटर का, तो वाटर का मोल हो जाएगा मोल ऑफ वाटर 178.2 डिवाइडेड बाई 180, यह आ जाएगा 1.01। अब हमें यहां से पीएस निकाल लेना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं, पहले इसको कर दे रहा हूं 19.8 इंटू 1.01 माइनस 1.01 पीएस इक्वल टू 1.98। इधर जाएगा ये इधर आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, 19.8 इंटू 1.01 ये आ जाएगा 19.998, और इधर आएगा तो माइनस 1.98, और ये इधर जाएगा तो 1.01 पीएस हो जाएगा। तो इस वैल्यू में से हम माइनस कर दे क्या 1.98, तो 18.018 इक्वल टू 1.01 पीएस आ गया। हम अप्रॉक्स भी लेके कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन में वैल्यू जो है वो नियर बाय में है, इसीलिए डिवाइड कर देंगे 1.01 से। आंसर कुछ गड़बड़ आ रहा है, कैलकुलेट कर लेना इसको, ठीक है। तो यहां पर हम नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में बहुत नियर बाय में है, यहां पर हम कैलकुलेट कर ले, ऑप्शन सेकंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन 25 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, व्हेन 25 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर लोअर
द वेपर प्रेशर लोअर बाय 2.25 × 10⁻¹ इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20°C इज 17.5 mm. What is the molecular weight of the solute? ऑप्शन है इसका 206, सेकेंड ऑप्शन है 302, थर्ड ऑप्शन है 350 और फोर्थ ऑप्शन है 276। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन 25 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नाम नहीं लिखा है कौन सा है, डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व कर दिया, वेपर प्रेशर में जो कमी आया डिफरेंस वो आया 2.15 × 10⁻¹, 2.25 × 10⁻¹ mm। वेपर प्रेशर 20° पर 17.5 mm दिया हुआ है, पूछा है कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मैं हिंट दे रहा हूं, P0 - PS / P0, ये RLBP हो गया, ये लोअरिंग का वैल्यू दिया है डायरेक्ट, इतना की कमी हो गया, वेपर प्रेशर लोअर्ड भाई इतना, मतलब ये डायरेक्ट वैल्यू दिया है, इसमें से कोई माइनस नहीं करना है, ये डायरेक्ट दिया है वैल्यू 2.25 × 10⁻¹ और इसका वैल्यू दिया है 17.5। राइट साइड क्या लिखेंगे, तो मैं तुम्हें बताया था मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल को हम कैसे लिखेंगे, गिवन मास यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन या वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये मोल आ गया और इसका मोल क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बातें क्लियर हो गई, तो इसमें सॉल्यूट का मोलर मास कितना दे रखा है, 25, और मोलर मास तो हमें निकालना ही है, वाटर का मास कितना दिया है 100, और मोलर मास कितना होता है वाटर का 18, आप इसको कैलकुलेट करो, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो,
किसी का आंसर नहीं आया, कैलकुलेट करो इसको। तो ध्यान देना इधर, अब बनाते इसको, तो मैं इसको क्या लिख दूं, 0.225 लिख दूं, नहीं होगा ना, और इसको क्या मैं लिख दूं, 17.5, इसको ये दोनों को हमने लिख दिया इक्वल टू, ये क्या है 25 ग्राम है मोल, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास हमें नहीं मालूम है, एक्स मान लेते हैं, और इसका गिवन मास कितना है 180 ग्राम, और ये कितना होगा, सॉरी ये 100 ग्राम है, और ये कितना होगा 18। अब पहले इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो 0.225 अपॉन 17.5 ये ऊपर जाएगा, तो 25 × 18 और ये 100x हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.225 × 100x और ये हो जाएगा 17.5 × 25 × 18, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 17.5 × 25 × 18 अपॉन 0.225 × 100 यानी 225 हो जाएगा, और हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो कैलकुलेट कर देते हैं हम, तो 17.5 × 25 × 18 डिवाइडेड बाई 225, ये आ रहा है 350। ऑप्शन नंबर थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, राइट डाउन हो गया सबका, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर इन एमएम ऑफ मर्क्यूरी, द वेपर प्रेशर ऑफ इन एमएम ऑफ मर्क्यूरी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय adding 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 जिसका मोलर मास कितना होगा 180 ग्राम टू 180 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज। ऑप्शन में है 7.60, 66, 759 और 752.9.4। तो एक चीज ध्यान रखना कि 100 डिग्री पे
वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो 760 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है। वेपर प्रेशर जो होता है वो 760 mm ऑफ मर्क्यूरी होता है। हो सकता है क्वेश्चन में दिया नहीं हो, लेकिन जैसे 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये डेटा हमें याद रखना है, बाकी टेम्परेचर पर वो डेटा देता है। अगर 100 डिग्री पर डेटा नहीं दिया है तो हम उसको 760 mm ऑफ मर्क्यूरी मार के बनाना होगा। वेपर प्रेशर इन mm ऑफ मर्क्यूरी ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑप्टेन बाई 18 ग्राम ग्लूकोज टू 180 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। बातें क्लियर हो गई? इसको जल्दी से तुम लोग बना के ऑप्शन बताना है, आसान क्वेश्चन है ये। एक आंसर आया मानसी का, चलो चेक करते हैं। वैष्णवी का आंसर आया, इसका भी चेक करते हैं। बाकी अक्षत का आया, तुम्हारा भी चेक करते हैं। क्वेश्चन में पहले ढंग से पढ़ लेना क्या पूछा है। वेपर प्रेशर और इन एमएम ऑफ मर्क्यूरी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछा है, ध्यान रखना इस चीज को। चलो मैं बनाऊ तो ध्यान दो इधर। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो तुरंत आरएलवीपी लिख दो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अच्छा यहाँ पर हम लिख देंगे मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, जहां मोल के बातें हो ना वहां ये वाला लिख देंगे, जहां मास के बात हो इसके बाद वाला मास वाला लिख देंगे। तो पी नॉट वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर कितना है 760, क्योंकि 100 डिग्री दे रखा है। माइनस सोल्यूशन का तो निकालना ही है, हमें सोल्यूशन का ही पूछ रखा है, और क्वेश्चन में सॉरी पी नॉट से डिवाइड कर देंगे। मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कहाँ है 18 ग्राम है, इसका मतलब मोल कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन 180 यानी 0.1 आ जाएगा। तो 0.1 अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, वाटर कितना है तो 180 मोल हो जाएगा अपॉन 18, 10 मोल हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम नेग्लेक्ट भी यहां कर देते हैं कि 10.1 होगा, 10.1 होगा। तो यहां पर हम इसलिए इसको ऐड नहीं करते क्योंकि बहुत कम है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 760 माइनस 10 पीएस और ये हो जाएगा 776। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 76 लिख दिया, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो 70 इक्वल टू 10 पीएस। अगर हम 7600 में अगर हम 76 माइनस कर दे तो आ जाएगा हमारा 7524 इक्वल टू 10 पीएस। अब पीएस निकाल देंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 752.4 आ जाएगा। ये बातें क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन कौन सा मिल रहा है डी। तो बहुत जने का वैष्णवी का भी आंसर आया, अक्षत का भी आया, बिल्कुल करेक्ट है। मानसी चौहान का गलत था, इतना उसने भेजे थे, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट लिखना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर प्रेशर इन एमएम ऑफ मर्क्यूरी वेपर प्रेशर इन एमएम ऑफ मर्क्यूरी ऑफ 0.1 मोल ऑफ यूरिया इन 180 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, और लिखा हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 24 एमएम ऑफ मर्क्यूरी। ये वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ऑप्शन में है 2.376, 20.76, 23.76, तो इसमें क्या बताना है, वेपर प्रेशर इन एमएम ऑफ मर्क्यूरी 0.1 मोल ऑफ यूरिया इन 180 ग्राम ऑफ, यानी वेपर प्रेशर बताना है किसका, सॉल्यूशन का। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसका मतलब 24 से तो ज्यादा आंसर कभी आएगा नहीं, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है और उतना भी ज्यादा कम नहीं हो जाएगा, यानी इसी में से दोनों में से आंसर होगा, लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर से तो ज्यादा होगा नहीं और उतना भी ज्यादा नहीं होगा, इसका मतलब आंसर 2 और 3 में से ही कोई होगा। चेक करके बताओ, चलो मैं बना रहा हूं, ध्यान दो। तो हम इसके लिए आरएलवीपी लिख देंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। यहां क्या लिखेंगे, मोल के रिगार्डिंग बातें किया है, यहां मोल ऑफ सॉल्यूट लिख देंगे और मोल ऑफ सॉल्वेंट लिख देंगे। वाटर का दे रखा है प्योर फॉर्म में 24, इतने डिग्री पे माइनस पी एस निकालना है अपॉन 24। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है, मोल ऑफ सॉल्यूट 0.1 है, और मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो सॉल्वेंट 180 ग्राम है, यानी मोल कितना आ जाएगा 180 अपॉन 18 यानी 10, ये 10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 240 माइनस 10 पी एस इक्वल टू 2.4, ये इधर आएगा, 240 माइनस 2.4 इक्वल टू 10 पी एस। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, टू
240 माइनस 2.4 ये 237.6 हो जाएगा, 237.6 हो जाएगा इक्वल टू 10 पीएस। तो पीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 23.76, यानी ऑप्शन थर्ड आएगा। क्या ये बातें क्लियर हो गई सबको? तो आसान लग रहा है ना आरएलवीपी, ये हार्ड लग रहा है? इजी है या हार्ड है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट इन ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका मॉलिक्यूलर वेट 60 ग्राम है टू बी डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ 0.02 इच। ऑप्शन में है 4, 8, 6, 10। कह रहा है क्वेश्चन में कि वेट इन ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वेट निकालना है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 60 ग्राम है, टू बी डिजोल्व इन 90 ग्राम वाटर, 90 ग्राम वाटर में इसको डिजोल्व कर दिया गया, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर यानी आरएलवीपी ऑफ इतना इंच। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल निकालना। पहले हम क्या लिख देंगे, आरएलवीपी पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल कैसे निकालेंगे, यानी W2 अपॉन M1 और इधर हो जाएगा W1 और इधर हो जाएगा M1। ये लिखवाया था गिवन मास अपॉन मोलर मास और गिवन मास से अपॉन मोलर मास, ये ऊपर चला जाएगा और ये पूरा एक ही बार वैल्यू दे दिया है आरएलवीपी का। आरएलवीपी हमें अलग से निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आरएलवीपी का वैल्यू डायरेक्ट लिखा है,
आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ इतना यानी 0.02 W2 यानी सॉल्यूट का मास हमें निकालना है। M1 बोले तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट के नाम पे वाटर है। M2 यानी मोलर मास ऑफ इतना जो कि 60 दिया है, और W1 बोले तो वाटर का मास, सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट है 90 ग्राम। ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो W2 हो जाएगा, ये 30, ये 6 ग्राम आ जाएगा। तो इसके क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस तुम्हें अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है, तुम कैसे उसको अप्लाई करते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन है The vapor pressure of 10% aqueous solution at 100 degree Celsius। पहला ऑप्शन है 750 mm, दूसरा ऑप्शन है 755.6 mm, थर्ड ऑप्शन है 751.6 mm, फोर्थ ऑप्शन है 740 mm। दी वेपर प्रेशर ऑफ 10% एक्वस सॉल्यूशन, तो हम यहां पर वेट बाय वेट परसेंटेज मानेंगे, वेट बाय वेट परसेंटेज मानेंगे, बाय वेट मान के बनाओ इसको जल्दी से।
अक्षत का वैष्णविक आंसर आया। चलो अच्छा, तुम लोग आंसर कैसे निकाल दिए? इक्वल सॉल्यूशन ऑफ, तो कुछ लिखा ही नहीं है ना, एक चीज इसमें मिसिंग हो गया। आंसर तुम लोग कैसे निकाल दिए? गूगल वगैरह कर रहे हो क्या? इसमें एक चीज तो वर्ड मिसिंग है, सॉल्यूट का नाम ही नहीं लिया है। एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, तुम लोग आंसर निकाले कैसे हो? एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस, बिना ये ग्लूकोज नहीं दिया जाएगा तब तक तुम आंसर निकाले। कौन कौन निकाला है? वैष्णवी और अक्षत। लग रहा है गूगल मार रहे हो तुम लोग। ये बिना ग्लूकोज दिए तुम कैसे इसका मास निकाल लिए? बिना ग्लूकोज दिए मास तुम कैसे निकाल लिए? कैसे आ कैसे जाएगा बिना ग्लूकोज दिए? चलो बनाते हैं, ध्यान दो। 10% वेट बाई वेट का मीनिंग क्या हुआ? 10 ग्राम ग्लूकोज है तो 100 ग्राम क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। यानी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर कितना होगा? वाटर हो जाएगा 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 10 ग्राम सॉल्यूट है तो 90 ग्राम, यानी 90 ग्राम वाटर है तो मोल कितना हो जाएगा? तो 90/80, 5 मोल हो जाएगा। इसका मोल कैसे निकालेंगे? तो मोल हो जाएगा 10 और इसका मोलर मास होता है 180, यानी 1/18 हो जाएगा। तो ये तुम निकाले कैसे थे? तो हम यहाँ लिखेंगे P0। अच्छा, 100 डिग्री पे वेपर प्रेशर कितना होता है वाटर का? 760 होता है। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं 760 mm -PS/760। मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल कितना है? 1/18 और मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 5। ये हो जाएगा 760 -PS/760 = 1/90। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से तो 760 × 90 -PS × 90 = 760। थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। सेवन सिक्सटी इंटू 90 ये हो जाएगा 6840। इधर आया तो -760 = 90 PS। तो इस वैल्यू में से हम माइनस कर देते हैं 760, ये हो जाएगा 67640 = 90 PS। इसमें हम डिवाइड कर देंगे 90 से, ये हो जाएगा PS = 751.5। ये ऑप्शन आएगा थर्ड वाला। तो ठीक है, क्वेश्चन नहीं पता है तो मुझे ये बताओ कि ये तुम सॉल्यूट का मोल कैसे नहीं, ग्लूकोज सपने में आ गया था क्या? ग्लूकोज ये मोल कैसे निकालेंगे, वैल्यू कैसे पुट करेंगे? मुझे ये जानना है, ये तुम वैल्यू कैसे पुट करती? 1/18 कहाँ से आया होगा तुम्हारा? जब ये नाम ही नहीं लिया है ग्लूकोज का, कैसे नाम आया होगा? क्वेश्चन पता था? अच्छा, तुम अपने आप से अक्षत ले लिए ग्लूकोज। बिल्कुल करेक्ट हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आगे सपने से मत लेना। ओके, तो कोई डाउट नहीं है सबको? तो आगे कल कंटिन्यू करेंगे, तो अगर न्यूमेरिकल बेस्ड और कराना है तो कराएंगे, अदरवाइज आगे चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।